मेरे प्यारे बच्चों, मैं खजान चौहान आप सभी लोगों का अपनी क्लास रीजनिंग में आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ता है और हम एक नई ऊर्जा के साथ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम सलॉक्स पढ़ रहे थे जिसे हम न्याय निगमन बोलते हैं। एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको उसे पुनः एक बार रिवीजन कराता हूँ। आपने ये पढ़ा है पॉइंट नंबर फर्स्ट कि ऑल को हम 150 कहते हैं, नो को हम 100 कहते हैं। सम से स्टार्ट अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको हम 50-50 रीड करेंगे। सम नॉट से स्टार्ट है तो उसको हम 50-100 से रीड करेंगे। फिर कंक्लूजन जब बनाते हैं तो 100 को 100 रीड कर सकते हैं, 100 को 50 रीड कर सकते हैं, 50 को 50 रीड किया जा सकता है, 50 को 100 रीड नहीं किया जा सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि स्टेटमेंट हमारा धनात्मक हो तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो सदैव सकारात्मक ही निकलेगा। यदि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मेरा कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं, अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। चौथा जो मेरा पॉइंट था, मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और उन दोनों को अलाइंड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है एक नया कंक्लूजन बनाने के लिए, तो इस केस में हमेशा कंक्लूजन कैसा निकलेगा? नेगेटिव। अगर आपके पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, या आप ये कह सकते हैं अगर नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम जोड़ के एक नया निष्कर्ष बना रहे हैं तो वो निष्कर्ष सदैव कैसे निकलेगा? नकारात्मक ही निकलेगा, ऋणात्मक ही निकलेगा, धनात्मक नहीं हो सकता। और यदि आपके पास दोनों स्टेटमेंट, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और उनको हम अलाइंड कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपके पास जो निष्कर्ष निकलते हैं हमेशा पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलते हैं, इसमें नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनते। आइए मैं उस बात को फिर इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर एक बार आपको रिविज़न कराता हूँ। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन डिनोट किया है जिसमें मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं और पांच मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखे हैं, यानी कि मेरे दो अपने कथन लिखे हैं और पांच मेरे निष्कर्ष आ रखे हैं। इन दोनों कथनों से ये पांचों निष्कर्ष बने। आइए कैसे हम इसे छांटते हैं, कैसे हम इसे बनाते हैं, तो देखिए मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मेरे कंक्लूजन है वो टीचर्स और स्टूडेंट पर बना, पहला कंक्लूजन। अगला भी टीचर और स्टूडेंट पर ही बना है। सभी मेरे कंक्लूजन टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड है, टीचर और स्टूडेंट से ही रिलेटेड कंक्लूजन है सारे के सारे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि बने तो ये कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट से है ना, तो टीचर तो मेरा पहले वाले स्टेटमेंट में और स्टूडेंट मेरे सेकेंड वाले स्टेटमेंट में है। इसका मतलब ये रहा होगा कि ये अलाइंड हो रहे होंगे, ये दोनों जुड़कर एक निष्कर्ष बना रहे हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम इनको अलाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा है, पॉजिटिव। जब हम इन दोनों को अलाइंड करते हैं तो इनका हमेशा जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। ये बात मैं यहाँ भी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अब आपको ये बात पक्का पता लग गया है, 100% पता लग गया है कि जो भी इनके द्वारा रिजल्ट बनेंगे यहाँ पर वो पॉजिटिव ही होंगे। तो मैं इन पांचों निष्कर्ष में से ये देखना चाहता हूँ कि इसमें से कौन कौन से निष्कर्ष ऐसे हैं जो नेगेटिव है, वो इसके रिजल्ट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ये नेगेटिव है तो ये भी इसका रिजल्ट नहीं होगा, ये भी नेगेटिव है ये भी इसका रिजल्ट नहीं होगा, और ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी पॉजिटिव है,
तो आप कह सकते हैं कि ये तीन रिजल्ट बन सकते हैं। अब कौन सा एग्जैक्ट रिजल्ट होगा वो डिसाइड करता 150। वो डिसाइड कौन करता भाई बच्चों? वो डिसाइड कर रहा होता 150। तो अब इसमें 150 यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पर 150 कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसमें यूज़ किया जाता है, तो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट पहला ऑल से स्टार्ट है और ऑल के लिए हम क्या लिख रहे हैं 150। सब्जेक्ट पर 100 और ऑब्जेक्ट पर कितना 50। सेकंड वाला भी ऑल से स्टार्ट हो रखा है तो सब्जेक्ट पर आपका 100 आएगा और ऑब्जेक्ट पर कितना आएगा 50। ठीक है, अब ये आपका कॉमन हो गया है, ये बात कॉमन होगी। जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो टीचर स्टूडेंट पर बनेगा, कॉमन चीज़ हट जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर कि अब जो रिजल्ट बनेगा हमारा वो हमारा ये तीन रिजल्ट बनने हैं, इसके ऊपर ये सम से स्टार्ट हो रखा है, सम के लिए क्या लगाते हैं 50 50 50 50। यानी कि आप यहाँ कह गया कि टीचर के लिए यहाँ कितना डिनोट किया है 100 और यहाँ कितना हुआ है 50। 100 को 50 लिखा जा रहा है, आपको कहा गया है कि 100 को 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ 50 है तो यहाँ भी कितना है 50, 50 को 50 लिखा जा रहा है, 50 को 50 रीड किया जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। कंपेयर करके हमें पता लगा कि यहाँ 100 को 50 लिख सकते थे, यहाँ 50 को 50 लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, ऑल के लिए क्या लिखा जाता है 150 150। इस टीचर के लिए 100 हुआ और इस स्टूडेंट के लिए 50 हुआ। कंपेयर कीजिएगा, यहाँ टीचर के लिए 100 लिखा गया है, टीचर 100 डिनोट कर रहा है, 100 को 100 लिखा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, 100 को 100 लिखा जा रहा है, और स्टूडेंट यहाँ 50 है तो यहाँ स्टूडेंट 50 लिखा जा रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर आइए, सम पे ये फिर है, स्टूडेंट को कितना लिखा जाएगा 50, सम पर 50 50 यूज होता है, ये स्टूडेंट के लिए 50 है, टीचर के लिए भी 50 है, तो आइए यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ कितना डिनोट है 50, 50 को 50 लिखा जा रहा है, बिल्कुल सही, टीचर 100 है, 100 को 50 लिखा जा रहा है, 100 को 50 लिख सकते हैं, 100 को 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये इसके तीन रिजल्ट हो रहे होंगे, तीनों के तीनों रिजल्ट इसके सही है। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ बिल्कुल समझ पाए होंगे। आइए अब हम अपनी बात को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये सीख गए हैं कि 150 कैसे यूज किया जाता है, किस प्रकार से इसका यूज होता है, और कैसे हम यहाँ पर कंक्लूजन को एलिमिनेट करते इसके थ्रू, और कैसे कंक्लूजन इसमें राइट एंड रॉन्ग बताते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी। आइए अब पॉइंट नंबर सेकंड पर जाते हैं और आगे एक स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, मैंने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर ऑल ए आर ऑल एज बी, दूसरा लिखा है सम बीस सी बीस सी, ये मेरे दो स्टेटमेंट है। आगे कंक्लूजन लिख रहा हूँ, निष्कर्ष ऑल एज सी फर्स्ट सेकंड नो एज सी थर्ड सम एज सी फॉर सम इज नॉट सी। अब जरा बोर्ड पर ध्यान रखना, एक्चुअल में सेलोक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, ये पूरे सेलोक्स में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। समझेगा इस कंटेंट को कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। आइए मेरे प्यारे बालकों, आप यहाँ पर देखो कि मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं और इनके चार यहाँ पर कंक्लूजन लिखे हैं। अब इन कंक्लूजन को देखते हैं कैसे ये सही है गलत है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और सी है, ए और सी पर सारे कंक्लूजन आपके बने, ए और सी पर सारे ही कंक्लूजन बन रहे। इसका अर्थ हुआ कि ए मेरा पहले वाले स्टेटमेंट में और सी सेकंड वाले में, तो ये जुड़ रहा होगा, अलाइंड कर रहा होगा। ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो हमेशा कंक्लूजन कैसे बनते, पॉजिटिव ही बनते, पॉजिटिव ही बनते, ये बात आप जानते। तो अब आप मेरी बात को ध्यान देना, मैंने जो बात सिखाई थी आपको, ये बात सिखाई अभी तक। अब यहाँ से थोड़ी और एक स्टेप आगे बात सिखाते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ आने वाली है। सबसे पहले आपका जो काम है सेलॉक्स में, ये काम होता है जब अलाइंड हो रहे स्टेटमेंट, तो सबसे पहले ये देखिए कि कहीं वो अनसर्टेन केस तो नहीं बन रहा। मेरा मतलब कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू रख देंगे कि ऑल के लिए क्या लिखा जाता है, 150। सम के लिए क्या लिखते हम, 50-50। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो आपका कॉमन वर्ड है, जो आपका पास कॉमन वर्ड था दोनों स्टेटमेंट में, यदि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट 50-50 से यूज़ होगी, यानी कि इनके लिए दोनों के लिए 50-50 अगर आया, तो ये केस अब जब हम इस केस को देखेंगे तो ये केस अनसर्टेन केस हो जाएगा, अनसर्टेन केस हो जाएगा भाई, अनसर्टेन केस हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। अनिश्चित का मतलब जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, अनसर्टेन केस हो जाता है। यदि आपके दो कॉमन वर्ड 50-50 से बने हुए आगे, तो अपना केस क्या बन जाएगा, अनसर्टेन। और अनसर्टेन केस में जो बाकी के दो वर्ड्स बचते हैं, बाकी के जो दो वर्ड्स बचते हैं कॉमन वर्ड को छोड़कर, इन दोनों वर्ड से अगर कोई नीचे निष्कर्ष बने हैं तो सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। वो सारे के सारे निष्कर्ष कैसे होंगे, गलत होंगे। तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आंख बंद करके ये काम करना आपको, ध्यान देना। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि अभी मेरा सेलॉक्स स्टार्ट हुआ है। कोई भी विद्यार्थी एक्सरसाइज से इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि अभी चीज़ें बदलती जाएगी। मैंने अभी कहा कि अनसर्टेन केस है तो ये सारे गलत हो जाते हैं, कुछ समय के बाद इनमें से कुछ सही भी हो जाएंगे। उस बात को पहुंचाने से पहले ही ये बात सीखनी बहुत ज़रूरी कि अनसर्टेन केस क्या बोलता है। अनसर्टेन केस ये बोलता है कि अगर कॉमन वर्ड, दोनों कॉमन वर्ड 50-50 से बने हुए हो, तो बाकी के दो वर्ड्स में अगर कोई निष्कर्ष बने हैं तो वो सारे के सारे निष्कर्ष गलत माने जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि ये अनसर्टेन हो गया, अनिश्चित हो गया। लो भाई, मैं नोट में लिख देता हूँ इसे, इस बात को मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में लिख लेते हैं, नोट। यदि कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड 50-50 से बने हो, बने हो तो केस अनसर्टेन केस कहलाएगा या केस हो जाएगा। और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को
छोड़कर बाकी दोनों वर्ष जो भी निष्कर्ष बनाए, जो भी निष्कर्ष बनाए वह गलत होगा, गलत होगा। देख, मैंने लिखा है यदि कॉमन वर्ड 50-50 से बना हो तो केस अनसर्टेन केस हो जाएगा, और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी दोनों वर्ड से जो भी निष्कर्ष बना है वो गलत होगा। बात को समझने की कोशिश करना। मैंने ये कहा कि गलत कौन हो गए, कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी के दोनों वर्ड्स में जो भी निष्कर्ष बने वो गलत होंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि अगर कॉमन वर्ड वाला निष्कर्ष आ गया, किसी निष्कर्ष में कॉमन वर्ड इंक्लूड हुआ तो क्या वो गलत होगा, ऐसा तो नहीं लिखा ना, नहीं लिखा। आइए इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, नोट कर लेना भाई से। यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं इस बात को ऐसे कहूँ, मैं इसके निष्कर्ष ये बनाऊँ कि ऑल सी आर सीज ए पहला, दूसरा मैं कहूँ नो सीज ए, तीसरा मैं कहूँ कि सम सम एज सी, और चौथा मैं कहूँ कि सम सम ए इज बी। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि हम पहले इनको देखते दोनों स्टेटमेंट को, कि दोनों स्टेटमेंट आपका कैसा था, कॉमन वर्ड से बनकर आ रखा था, लेकिन कॉमन वर्ड के लिए ऊपर क्या है 50-50, केवल और केवल 50-50। कॉमन वर्ड पर अगर केवल और केवल 50-50 से बना हुआ है तो ही केस अनसर्टेन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 100-100 बन रखा है तो अनसर्टेन केस हो जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि केवल और केवल जब कॉमन वर्ड 50-50 से बना हो तो ही केस अनसर्टेन हो जाएगा। तो ठीक है, ये केस अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन केस में तो ये लिखाया गया है कि बाकी के दोनों वर्ड से जो भी निष्कर्ष बने वो गलत हो जाएंगे। तो सी और ए से जो निष्कर्ष बने होंगे, सी ए और सी से या सी और ए पर जो निष्कर्ष बने होंगे वो सारे गलत होंगे, तो ये मेरे गलत होने चाहिए। ये तीनों के तीनों निष्कर्ष तो आंख बंद करके मैं गलत कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। लेकिन जो चौथा मेरा आपका कंक्लूजन है उसमें तो कॉमन वर्ड यूज हो गया, बी यूज हो गया, हाँ ए जरूर है लेकिन यहाँ पर सेकंड में बी लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा मैंने नोट पॉइंट पे नहीं लिखाया है कि कॉमन वर्ड भी अगर इंक्लूड हो गया तो भी गलत हो जाएगा, नहीं। अगर आपका कॉमन वर्ड इंक्लूड हो गया तो उसे चेक करना पड़ेगा कि ये सही है गलत। तो हम देखते ए और बी से आपका जो कंक्लूजन बनाया है, तो ए और बी तो पहले वाले स्टेटमेंट पर है। अब आप बोलेंगे बी तो सेकंड वाले में भी है, भाई बी के साथ ए है ना, ए वाला बी होगा क्योंकि यहाँ ए लिखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये आंसर बन सकता है, इसका मतलब हुआ ये आंसर बन सकता है। अगर ये आंसर बन सकता है तो इस पर आप 150 यूज़ कर दो, इस पर आप 150 यूज़ कर दो। अब आप कहेंगे सम के लिए क्या आता है, 50-50, तो सम के लिए 50-50 आ रहा है। तो आप देखो यहाँ ए 100 लिखा है और यहाँ ए 50 लिखा है, 100 को 50 लिख सकते हैं, हाँ। यहाँ बी 50 लिखा तो यहाँ भी बी 50 लिखा, बिल्कुल बी 50 को 50 लिख सकते, तो ये आंसर मेरा सही होगा। क्लियर हुई भाई बात, हाँ बिल्कुल क्लियर होगी होगी। आइए इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, आइए मेरे प्यारे बच्चों इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अनसर्टेन केस फर्स्ट था, ये केस अनसर्टेन फर्स्ट था। आओ एक और लिखे भाई, सम पी इज क्यू और सम पी
इस आर। अब यहां देखो, इस पर मैंने निष्कर्ष बनाया, पहला ऑल क्यू इज आर, सेकंड बनाया सम क्यू इज आर, थर्ड बनाया नो क्यू इज आर, फोर्थ बनाए सम क्यू इज नॉट आर। नेक्स्ट कंक्लूजन नेक्स्ट बना रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन होगा इसी का, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पहला कंक्लूजन ऑल पी इज क्यू, सेकेंड सम पी इज क्यू, थर्ड नो पी इज आर, और फोर सम आर इज पी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। मैंने यहाँ दो स्टेटमेंट लिखे, चार विकल्प यहाँ रखे और चार विकल्प इस क्वेश्चन में रखे, समझते इस बात को। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि केस कहीं अनसर्टेन तो नहीं, यदि केस अनसर्टेन हो गया तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चेक करते हैं, सम के लिए क्या लिखा जाता है, 50-50। तो आप यहां देख रहे हैं जो कॉमन वर्ड है वो पीपी है और दोनों में 50-50 लगा है, इसका मतलब हुआ कि जब हम इन्हें अलाइन करेंगे तो ये अनसर्टेन चला जाएगा, अनसर्टेन केस हो जाएगा भाई, अनिश्चित केस हो जाएगा। और अनिश्चित केस में मैं आपको नॉट पॉइंट में भी लिखा रखा हूं कि कॉमन वर्ड को छोड़कर अगर बाकी दो वर्ड्स में कोई आपके निष्कर्ष बने हैं तो सारे गलत हो जाएंगे। Q और R से जो नीचे निष्कर्ष बने हैं वो सारे के सारे गलत होंगे, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, Q और R से जो निष्कर्ष बने होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे, ये सब गलत होगी। इस पर हमें कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत सिंपल बात है। आइए सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन को देखो, हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि इसमें पी और क्यू की बात चली है, तो पी तो ये है और क्यू आपका ये, यानी कि इसमें कॉमन वर्ड यूज हो गया। तो अगर कॉमन वर्ड यूज हो गया तो इसको तो हमें चेक करना होता है कि ये विकल्प आपका सही या गलत है, और चेक करने का तरीका मैं बता चुका हूं कि यहां पर तो हमने पहले ही डाल दिया 50-50 आएगा सम के लिए, ऑल के लिए क्या आएगा 100-50 आता ऑल के लिए। आइए कंपेयर करो, पी यहां 50 लिखा है और यहां पी कितना लिखा, 100। 50 को 100 लिखा जाता है नहीं, 50 को 100 नहीं लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब सम के लिए आप क्या लिखते हैं, यहां भी पी और क्यू है, कॉमन वर्ड यूज हो गया, सम के लिए 50 और 50 लिखते हैं। तो देखो 50 लिख रहा पी, यहां 50 लिख रहा है, 50 को 50 रीड किया जाता है, क्यू यहां 50 है तो यहां भी 50 है, 50 को 50 रीड किया जाता है, ये बिल्कुल सही होगा। यहां पर देखो ये नेगेटिव है, पी और आर पर दे रहा है, पी और आर ये स्टेटमेंट से आया ये कंक्लूजन, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपको ये बताया गया कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ तो इसका निष्कर्ष पॉजिटिव आता, नेगेटिव नहीं आता, तो ये इस कारण से पहले ही गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा इस स्टेटमेंट था, नेगेटिव आया है जबकि यहां तो पॉजिटिव है। ऑप्शन चार सम है, सम के लिए 50-50 आता है, आर और पी पर लिखा इसने, तो आर और पी इस वाले स्टेटमेंट से लिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये भी पॉजिटिव ही है, चेक करो, आर 50 है तो 50 को 50 लिखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल।
पचास है तो पचास को पचास लिखा जा सकता, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अनसर्टेन केस किस प्रकार से चेक किया जाता है सेलॉक्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेलॉक्स का अनसर्टेन केस। ये दो केस होते हैं, मैंने एक केस आज आपके साथ डिस्कस किया है और आपको समझाया है कि अनसर्टेन केस कैसे देखा जाता है। कॉमन वर्ड को देखा जाता है, कॉमन वर्ड अगर 50-50 से बन रखा है तो केस 100% अनसर्टेन केस हो जाएगा। अब कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी के दोनों वर्ड्स में जो भी नीचे निष्कर्ष बने होंगे वो आंख बंद करके गलत कर देना, वो हमारे गलत होते हैं। और अगर कॉमन वर्ड यूज हो गया तो उसको हम चेक करते हैं, 150 लेकर चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, ये लास्ट क्लास में भी बात हुई और इस क्लास में भी बात हुई है। तो मैं ये समझूं कि जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था, जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा था, क्या मैं इसे समझाने में सफल हुआ हूँगा? हाँ, बिल्कुल सफल रहा हूँगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। इससे अपना उत्साह बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है। हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, हम सीखने की कोशिश करते हैं, आपको सिखाने की बेस्ट से बेस्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।